जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन प्रो पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट टॉपिक एलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। बीजगणित से, एलजेब्रा टॉपिक से अगर हम बात करें ओवरऑल आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें 3 से 4 सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, 1 से 2 सवाल तो बड़े सिंपल होते हैं, और 1 से 2 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े पजल करने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। तो कंप्लीट मैं आप लोगों को एलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं। आज उसका डे 1 है, और बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम जड़ से लेकर उसको मेरा पढ़ाने का यही टेक्निक है कि बिल्कुल जड़ से उसको कवाड़ के रख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस धैर्य बना के रखिएगा, एक एक बातों को बहुत अच्छे तरह से एग्जाम अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। और शुरू करते हैं, तो ये आप लोगों को काफी पसंद आएगा क्लास, और काफी आपके लिए उपयोगी भी होगा। आप बहुत फायदा ले सकते हैं अगर आप भारत के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें एलजेब्रा, एडवांस मैथ्स का एलजेब्रा अगर पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि डे 1, यहां ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब आप किसी भी वन डे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें एलजेब्रा आता है, तो वो उपयोगी होगा। बेसिकली जो विद्यार्थी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, सीडीएस, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले एलजेब्रा के लिए ये दो बातें आपको पहले से पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सीधा बोल देंगे कि क्या बात है गुरुजी, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से माय डियर, अगर मैं पूछूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूला हर एक भाई को, साथी को, मित्र को आता होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षा में क्या किया गया, इन्हीं दो बातों से बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चन बनाने जाने लगे। अब उसी में से देखिएगा, जो पहला वैरायटी हो जाता है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, उसमें मैं टाइप 1 आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि टाइप 1 के जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे सामने परीक्षा में, वो कैसे होंगे। जैसे यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि इफ, यदि, इसको हिंदी में यदि कह देंगे, यदि एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू, यहां पर के दिया हुआ है, लेट्स मान लेते हैं कि a प्लस एक्स प्लस 1/x का मान के दिया हुआ है, यहां देखिएगा लेट गिवन है, ऐसा भी मान लेते हैं कि ये k की जो वैल्यू है आपको परीक्षा में दिया रहेगा, गिवन है। देन फाइंड, आपसे क्या पूछेगा, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये बताइए। एकदम बिल्कुल बेसिक से ध्यान से समझिएगा। इसका सीधा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, जो कि काफी उपयोगी है, कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू के है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो इस के का स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2 ही क्यों माइनस करेंगे, तो एक एक बात बता रहा हूं, बस आप ध्यान से समझते चलिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मैं आखिर 2 ही क्यों माइनस कर रहे हैं, तो इसका वजह देखिएगा, बहुत सिंपल सा बात है। अगर मैं आपसे भाई ये पूछूं कि आप बताइए, इसी सवाल को यहां पर मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे ये चीज हो रहा है, एक बात बताइएगा, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू यहां पर के दिया हुआ है, मान के दिया हुआ है, कितना दिया है, एक्स प्लस 1/x का मान के दिया हुआ है। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मैं बोलूं कि इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो अब बताइए क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, हाँ सर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा जी x स्क्वायर, और 1/x का स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a का जगह x है और b की जगह पे 1/x है,
और बराबर k का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये x और x कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। और इसी रिजल्ट को मैं आप लोगों से डायरेक्ट साझा कर रहा हूं, और मैं ये बोलूंगा कि ये रिजल्ट आप लोग को याद होना जाना चाहिए, मतलब ये रिजल्ट आप सभी भाई को एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। सर कैसे हो रहा है ये वर्क, कैसे कर रहा है? तो देखिए एक काम कैसे कर रहा है मैं उस पर बात कर लेता हूं। अभी बताइए x का यहां पर पावर कितना है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और जो पावर हम निकाल रहे हैं ये 2 है, इसका मतलब है कि 1 का ये क्या हो गया, दुगना हो गया। जब भी पावर को दुगना करना हो, डबल करना हो, ट्वाइस करना हो, तो आपको करना क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसकी दी गई संख्या को स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना होता है। अब यहां समझिएगा, अगर इसी के आधार पे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि भाई एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल समझते हैं कि एक सवाल किस तरह से बनेगा। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे एक सवाल दे दिया, एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मान लीजिए 5 दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड, मुझे बताइए, ज्ञात कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा? तो जैसे ही पावर को डबल करना होगा ना, यहां देखिए पावर यहां एक था, यहां डबल, एक का दुगना हो रहा है, तो जो दिया गया मान है, वैल्यू है, उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। तो ये देखिए 23 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त फिर समझिए, अगर मान लीजिए कि इफ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू यहां दे दिया है √13, और आपसे पूछे कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा, यहां पर बोल दिया कि ज्ञात कीजिए फाइंड, तो फिर वही काम करेंगे कि पीछे जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। देखिए रूट और स्क्वायर कट जाएगा जी, 13 में से 2 गया 11। एक और समझते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि यहां पर दे दिया है माइनस का 2, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैं माइनस का 2 दे दिया और आपसे पूछ लिया जी, मेरे प्यारे दोस्त यहां पर √3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा √3 का गुरुजी स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से 2 घटा देते हैं, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला का, तो वो इस तरह से सॉल्व होता है, इस तरह से काम करता है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ के पूछता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यदि मैं आपसे ये बात करूं कि भाई ये बताओ कि इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दिया हुआ है, मान लीजिए ये गिवन है, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 क्या होगा, तीसरा सवाल माय डियर ये भी पूछ सकता है x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन x के पावर 8 क्या होगा। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई इसका मान क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, यहां x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, और यहां देखिए ये डबल हो गया, तो जब पावर को डबल करना हो तो ये दिया गया मान जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 आ गया। फिर अगर हमें पावर 4 निकालना है तो बताइए किसके डबल से 4 आएगा, 2 पावर के, मतलब यहां से अगर इसके पावर को फिर से डबल कर दिया जाए, 2 के पावर को डबल कर दिया जाए, तो हमारा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पावर 4 निकालना होगा तो हमें इस 2 के पावर को डबल करना है, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकल के कितना आया, 7, तो अब हमें क्या करना होगा, 7 के स्क्वायर में से 2 घटा देना होगा, तो 49 में से 2 जाएगा जी 47 आ जाएगा। अगर पावर 8 कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए बताइए किसका डबल करना होगा, 4 का डबल, तो अगर हमें पावर 8 निकालना है तो इस 4 का डबल, तो बताइए यहां 4 के डबल करना है, तो 4 के लिए वैल्यू कितना है, 47, तो 47 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, और 47 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त 2209 होता है, 2 घटाएंगे
तो ये हो जाएगा 22.07। मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज समझ आ रहा है कि कैसे एक छोटी सी बात से कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछा जा सकता है, कराया जा सकता है कि इसका आंसर बताइए। इसी क्रम में मेरे प्यारे दोस्त, यदि ऐसा मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ, ध्यान से समझिएगा, मैं दे दिया कि रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू यहां पर दे दिया जी 4, और आपसे पूछ दिया कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ये मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब ऐसे समझो, रूट एक्स अगर मैं आपके सामने यहां लिख दिया रूट एक्स, तो क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर इसका मतलब तो 1/2 होगा। तो इसका पावर जो है, रूट एक्स का मतलब, रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स के पावर में 1/2 है। तो इस 1/2 को अगर यहां से डबल करना चाहते हैं, इसके पावर को मैं डबल करना चाहूंगा, तो आधा का दुगना क्या होगा, एक, इसका मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बना सकते हैं। पावर का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और पावर को डबल करने के लिए अभी आपको सिखाया था कि जो मान पहले दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 16 में से 2 जाएगा जी 14 मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर समझिएगा कि अब एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो यहां से अब 1 है पावर और इसका डबल किया गया है, तो पीछे वाला मान 14 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 196 में से 2 जाएगा, तो 194 मेरे प्यारे भाई इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जाएंगे तो बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते, कहीं पर भी कोई परेशानी मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। आइए एक सवाल और समझते हैं, इसे समझने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे सवाल दे दिया इफ एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स यहां पर दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दे दिया जी 11, कोई दिक्कत, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, ज्ञात कीजिए, यहां पर समझिएगा, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे साथी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान बताइए। अब ऐसे समझिएगा, बहुत ध्यान से सब लोगों को समझना है, एक्स रूट एक्स को बस समझना है कि एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब तो आपको पता ही है 1/2, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर को जोड़ना होगा, यहां 1 और 1/3 को जब ऐड करेंगे तो ये 3/2 बनेगा जी। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये हुआ कि एक्स के पावर 3/2 है, समझिए, एक्स के पावर 3/2 है प्लस 1/x की पावर 3/2 है, और इसका मान कितना दिया है 11। आपसे पूछ क्या रहा है सर, x का क्यूब पूछ रहा है। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर 3/2 है जी, और 3/2 से मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब बनाना है, इसका मतलब है कि इस 3/2 का डबल क्या होगा, आप बताओ 3/2 का डबल क्या होगा, डबल मतलब 2 से गुणा कर दो तो ये कट जाएगा गुरु जी, 3 आ जाएगा। और जब भी पावर को डबल करना हो मेरे भाई, तो क्या करना होता है इसके लिए, जैसे ही डबल करोगे तो ये एक्स क्यू बन जाएगा, ये भी एक्स क्यू बन जाएगा 1/2, तो पीछे वाले मान का स्क्वायर करके अब 2 हटा देते हैं जी, तो आपका उत्तर मेरे भाई हो जाएगा 119। आशा करते हैं आप लोगों को बातें बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कम शब्द में बता दूं, यहां पर नोट करके अगर लिखना चाहें तो नोट करके लिख लीजिए, यहां पर आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि जब पावर को डबल करना हो, डबल करना हो, तो पीछे दिए गए वैल्यू या मान, दोनों समझ जाइए, मान को स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
मतलब उसमें से दो घटा देते हैं, सिंपल समझिए, दो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक इतना मजेदार बात है, इतनी इंपॉर्टेंट है, हो सके कि अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लो, नोट करके इसको लिख लो, एकदम सदा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे कल चल के मान लो भाई आपसे परीक्षा में सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, यदि इफ एक्स के पावर 2024 प्लस 1/x दो हजार चौबीस, और इसका मान मान लो 17 दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि एक्स के पावर 4048 प्लस 1/x 4048 का मान क्या होगा। तो देखते से समझ आ जाना चाहिए कि पावर के साथ क्या हरकत हो रहा है, क्या गतिविधियां पावर कर रहा है। तो बोलोगे 2024 का जो दुगना होता है, डबल होता है, वो 4048 होता है। देखो केवल पावर का खेल है, समझना है। तो गुरुजी पावर जो है वो डबल हो रहा है, और जब पावर जहां पर भी डबल हो, पीछे वाले दिए गए जो मान है इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से दो घटा दीजिए, और 17 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 289, और दो घटा दो तो आंसर आ जाएगा 287। आशा करें कि आप लोगों को ये जितनी भी बातें बताया बहुत अच्छे से क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से मैंने चर्चा सबसे पहले किया कि एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसमें मैंने चर्चा किया टाइप वन के बारे में, कि जहां x प्लस 1/x का मान कुछ दिया रहेगा, जिसे मैं k बता रहा हूं, पावर को डबल करना होता है तो दिए गए मान का स्क्वायर करके दो घटा देते हैं। कैसे आया है इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, कि कैसे ये वेरीफाई हुआ, ये देखिए इसका वेरिफिकेशन है, प्रूफ है, जो आप बोल सकते हो आपके सामने है। फिर मेरे प्यारे दोस्त, इसके आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ सवाल समझाने का प्रयास किया, और यहां पर नोट। अब एक बात समझिए, मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि गुरुजी इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए कि कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि एक्स प्लस, इफ एक्स प्लस 1/x का मान जी के है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस 1/x का मान अगर k है जी, और मैं आपसे बोलूं कि गुरुजी इसका मान निकालो, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, तो क्या सभी भाई निकाल देंगे, सर कौन सी बात है, तो बहुत सिंपल है। मैं आपसे बोलूं कि x के पावर 4 प्लस 1/x⁴ निकालो, तो भी सभी लोग निकाल देंगे। यदि मैं पूछूं आपसे कि एक्स के पावर 8 प्लस 1/x⁸ निकालिए, तो भी आप लोग निकाल देंगे। करना क्या है, बस पीछे जो मान दिया है उसका स्क्वायर करो और दो घटा दो। तो ये के दिया हुआ था, तो जरा सभी भाई बताएंगे क्या करना चाहिए, के का स्क्वायर करके दो घटा दे, देखो आंसर आ गया। अब जब हम पावर 4 पे जाएंगे तो दो का डबल करेंगे तब 4 आएगा, तो जो मान पीछे आया है आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस दिए गए मान को आप जो भी यहां से वैल्यू आया इसका नया नाम दे देते हैं अपने मन से समझने के लिए, OI। तो अब जब हम पावर 4 निकालेंगे ना, तो 2 का डबल करेंगे, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू y है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस y का स्क्वायर करके और 2 घटा दो, आ गया कि नहीं आ गया। अगर पावर 8 निकालना है तो क्या करेंगे, अरे सर बहुत बढ़िया बात सिखा दिए, अब ये देखो ये मान कुछ ना कुछ सॉल्व होने पे आएगा, इसका नाम मान लो मैंने जेड रख दिया, तो अगर 8 निकालना है तो 4 का डबल होगा, तो ये जो दिया गया जो मान है यहाँ जेड का स्क्वायर करके दो घटा दो। होप एंड बिलीव आपको बहुत अच्छी तरह से बातें एकदम समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी भाई को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं भाई मेरे, इसी में पावर को जब ट्रिपल करना होता है तब समझिएगा कि पावर को ट्रिपल कैसे किया जाता है। अब पावर को ट्रिपल करने का सीखे फिर बात करते हैं, यहां समझिए एक बात और सिखाता हूं। अपनी कॉपी में पहले यह बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी का होल क्यूब, और एक फॉर्मूला पूछ दिया कि a माइनस बी का होल क्यूब बता दो, तो अगर आपसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछ दिया कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो याद रखिएगा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, याद होगा। अगर इसका पूछ लिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया तरह से सजा लो, और याद करना है, केवल सजाना नहीं याद भी करना है। अब यहां समझिएगा इस पे कैसे सवाल बनते हैं उसकी बात करते हैं। आपसे सवाल कैसे दे देगा, इफ यदि एक्स प्लस 1 अपॉन
एक्स का मान के, ये मेरे प्यारे दोस्त दिया रहेगा, गिवन होगा, यहां लिख लेते हैं गिवन, ये मान दिया रहेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बताना है कि क्या होगा। अब दोस्त मेरे भाई समझना ध्यान से, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना दिया है, k, कुछ भी हो सकता है, k से आप अपना नाम भी रख लो, अपनी मुन्नी का नाम रख सकते हो, अपनी प्रेमिका का नाम रख सकते हो, कल्याणी, कुमकुम, है, देखो कई लोग खुश हो गए, वाह सर यही चीज तो हम चाह रहे थे, मतलब मन की बात होनी चाहिए, आपकी मन की बात हो तो खुश आ जाइए। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान k गिवन है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू कैसे निकलेगा, तो क्या करना है ध्यान दीजिए, पहले फॉर्मूला याद कर लो, एक तो होता है कि पीछे वाला मान का क्यूब कर दो k क्यूब, अब माइनस का 3k, माइनस का 3k। अब मेरे प्यारे दोस्त ये जो बात मैंने बताया ना, ये सर गुरुजी समझ नहीं आया कहां से आया है, अभी समझाता हूं, एक एक बात समझाऊंगा, बस आप आराम से समझते चलो, एक एक बात आपको यहां से क्लियर होगा। इतना याद रखिएगा कि पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा होगा, पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो कि आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, एक बार पढ़ना है, दोबारा जीवन भर नहीं पढ़ना, और आप जहां भी पोस्टेड रहोगे, जिस भी जगह जाओगे, हमारी याद जरूर आएगी, ठीक है, एक मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं आप हमें भूल जाओ, नया वाला माजा का बोतल लेके आओ, कितना भी उसमें पानी भर दो, पुराना वाला माजा का सेंट रह जाता है, समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि एक बार पढ़ने के बाद आप भूलेंगे नहीं सर को, हमेशा याद आएगा कि अरे वाह गलती सही मास्टर ने कुछ ना कुछ पढ़ाया था, मजा आ गया पढ़कर। देखो मेरे प्यारे दोस्त यहां समझिएगा सर कैसे हो रहा है, तो यहां पर मैं सिखाता हूं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया हुआ था, यही है ना। अब बताओ क्यूब करना है, इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों साइड भाई क्यूब कर देता हूं, मान लो दोनों साइड यहां पर कर दिया क्यूब, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पर मेरे प्यारे भाई k क्यूब हो गया, हाँ या ना। अब जरा बताइए x से x कट गया और यहां हो गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर k क्यूब, अब जरा बताइए प्लस उधर जाएगा तो माइनस थ्री, और ये देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स हमने स्टार्टिंग में ही मान रखा था, x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना था जी के, और मैं यही चीज तो आपको बोल रहा हूं कि याद कर लो, जो यहां पर रिजल्ट लेकर आया हूं यही चीज तो आपको मैं बोल रहा हूं भाई कि इसको याद कर लो, जल्दी से इसको याद कर लो अपने दिमाग में, सर याद हो गया क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मेरे प्यारे दोस्त पावर यहां देखो कुछ नहीं मतलब वन है, और एक से कितना हो गया तीन, मतलब पावर जब तीन गुना हो, पावर को जब थ्राइस किया जाए, तीन गुना किया जाए, तो क्या करते हैं पीछे वाले मान का क्यूब कर देते हैं, पीछे वाले मान का मेरे प्यारे दोस्त क्यूब कर देते हैं, और उसके बाद